हैं कि शादीशुदा जिंदगी कैसी रहने वाली है, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, ये चीजें पूछना चाहिए सविता लुधियाना से। पर इनकी शादी में थोड़ा विलंब है, अब ऑलरेडी विलंब हो ही गया मेरे का 34। हाँ जी ये तो हो गई 34, शादी में विलंब है। और जहाँ तक तो शादी अगर होगी तो शादी होने का समय है 3 साल बाद, 3 वर्ष पश्चात यानी तीन वर्ष 2012 में 2012 में, 3 साल पश्चात, तो उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। एक दिशा इन्होंने जानना चाहिए थी कि किधर होगी और कैसा रहेगा जीवन, भावी जीवन। इनका 2 है, 2 6 10, तो ये आपका हो गया 1 2 1 5 9 2। इनके साउथ साउथ की दक्षिण तरफ, दिशा जहां से में पैदा हुई थी उसके जी दक्षिण दिशा में, जी ये नहीं कि दक्षिण दिशा, जहां जी पैदा जी हुई थी वहां से दक्षिण दिशा। वहां से दक्षिण दिशा में शादी 3 साल बाद होगी। और जहां तक रत्न का सवाल है, ये हीरा और मोती ये दोनों चीज धारण करें, इनको शादी के लिए फायदा होगा। जी सविता जी, आप शादी के लिए जो परेशान है, जो आपका प्रश्न है, मूल प्रश्न है, उसके लिए आप हीरा और मोती यदि धारण करती हैं तो निश्चित तौर पर आपकी कठिनाइयां दूर होंगी। जहां पर आपका जन्म हुआ है वहां से दक्षिण दिशा में आपके विवाह का योग बनता है। 3 वर्ष पश्चात यानी 2012 में आपकी शादी होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। एक और मित्र हमारे साथ जुड़े हैं, सुशांत दिल्ली से। हेलो, हाँ जी नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच सर। मेरा नाम सुशांत है जी और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 27/12/1975। 27th of December 1975। हाँ, टाइम ऑफ बर्थ क्या है? ये 3:10 दोपहर। 3:10 दोपहर, 15:10 दोपहर और के, जन्म का स्थान है जबलपुर, मध्य प्रदेश। जबलपुर मध्य प्रदेश, जबलपुर एमपी में जन्मे हैं, 27 दिसंबर 1975। क्या प्रश्न है सुशांत जी आपका? सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि लाइफ में सब ऊपर नीचे हो रहा है तो व्हेन आई विल गेट गुड जॉब, मतलब जो सेटिस्फैक्टरी जॉब हो मेरे को वो कब मिलेगी? सेटिस्फैक्टरी जॉब आपको इस साल, आपका टाइम मतलब 2 2.5 साल से बहुत खराब चल रहा है, ठीक है ना, तो काफी चेंजेस हैं। एंड व्हाट आई फील इज दैट बाय द एंड ऑफ 2000 दिस ईयर और बिगनिंग 2010, ठीक है ना, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2010, आपको एक सेटलमेंट की तरफ की एक जॉब मिलेगी, जिससे आपको लगेगा यू आर फीलिंग सेटल्ड। बिटवीन जनवरी और जून 2010 के पीछे, मोटा मोटा 2 महीने पहले भी हो सकता है, आपको ऐसी जॉब मिलेगी, आपको लगेगा हाँ भाई अब ये ठीक है, आई एम गेटिंग सेटल्ड। ये जो टाइम बीच का टाइम है इसमें ये कुछ नहीं, खराब है, ये खराब है, इसमें मतलब हौच-पौच बनते रहेंगे ये अभी। अभी तो खराब। अक्टूबर तक आप समझ लीजिए, आप जहां बैठे हैं सर नीचे करके आराम से बैठ जाइए, लो प्रोफाइल में, अक्टूबर नवंबर तक, दिसंबर के बाद और शुरुआत जनवरी से जून के बीच में टाइम अच्छा है। और अगर आप कुछ उपाय करना चाहते हैं तो एक आप कैट्स आई पहनिए और डायमंड, या डायमंड का जो दूसरा होता है वो पहनिए, जिरकॉन पहन सकते जिरकॉन पहन सकते हैं, इसको आप धारण करिए, आपको फायदा होगा। और ना भी पहनिए तो आपका मतलब अक्टूबर नवंबर का टाइम अच्छा है, एंड बाय जून नेक्स्ट ईयर यू विल गेट अ जॉब जहां आपको लगेगा आपको अच्छा लगेगा। लगभग 1 वर्ष का इंतजार है और फिर उसके बाद आप जैसा जॉब चाहते हैं वैसा जॉब आपको मिलेगा। इस बीच आप यदि और अपने परिणामों में, अपनी कोशिशों में तेजी लाना चाहते हैं तो लहसुनिया यानी कि कैट्स आए और उसी के साथ हीरा या हीरे का उपरत्न जिरकॉन आप पहन सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। डॉक्टर साहब, हम जीवन में जब हम रत्न पहनते हैं या जो रेमेडीज करते हैं, बहुत बार हमने ये सवाल आपसे पूछा है लेकिन एक बार फिर आपसे इस बात को पूछते हैं कि इनसे क्या परिणामों, जैसे आपने कहा कि नहीं भी पहने तो भी होगा, जब निश्चित ही है सब कुछ होना, तो फिर क्या रत्न उसको बेहतर बनाते हैं, हमारी एनर्जी को बढ़ाते हैं, क्या करते हैं? एनर्जी को बढ़ाते हैं, दूसरी बात ये कि भाई पानी बरस रहा है तो छाता लेके निकल गए, जी जी तो पानी पानी तो नहीं रुक सकता है, उस समय उसके प्रकोप से थोड़ा आप बच सकते हैं, भीगने से बच जाएंगे। तो वो भी जो आप लोग, जो लोग यंत्र वगैरह देते हैं उनमें आवाज की बहुत शक्ति होती है, जी तो मंत्रों का बहुत शक्ति, अगर किसी ने यंत्र दिया उस पर बहुत बार एक मंत्र ओम शंख जी ओम रिंग क्रिंग, इन जो जी मंत्र के जो इंग क्लिंग वगैरह जो मंत्र जी होते जी हैं, जी इनकी जो शक्तियां ये लोहे पर करके जी वॉइस का, तब आप पहनिए तो फायदा है। अगर मैंने ऐसे रखा हुआ निकाला आपको दे दिया जी आपने पहन लिया सिंपल धातु है तो वो। वो कुछ जी नहीं होने वाला जी उससे। इसी तरह ये जो आप कलर स्टोन्स पहनते हैं, इनके कोई वाइब्रेशंस होते हैं, जी इनके स्किन के थ्रू आपके थ्रू इंपैक्ट होते हैं, उससे थोड़ा फर्क पड़ता है। जी जी जब हम रत्न पहनते हैं तो वो, जब हम उनको मंत्रों के द्वारा एनर्जाइज करते हैं, ऊर्जस्वित करते हैं, उनको उनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो वो जीवन में बेहतर परिणाम लेकर के आते हैं। यही विज्ञान यंत्रों पर भी लागू होता है और हमारे जीवन के बाकी उन तमाम उपायों पर भी होता है जिनको हम अपने जीवन में बेहतरी के लिए धारण करते हैं। डॉक्टर शंकर अडावल जी ऐसा कहते हैं, सभी चीजों की मान्यता है लेकिन विधि विधान जो है वो सर्वोपरि है। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी है, सुचि गुप्ता जम्मू कश्मीर से। हेलो, हेलो। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हाँ जी सर। अपने जन्म की तिथि, जन्म का समय और स्थान बताइए सुचि जी। 13 मई 1989।
13th of May 1989। हाँ जी, 11:35 रात का। 11:35 PM जी। कहाँ पर जन्मी थी आप? सर जम्मू में। जम्मू में जन्म हुआ है। क्या पूछना चाहेंगी सुची? सेकंड ईयर की पूछना है, सेकंड ईयर का रिजल्ट कैसा आएगा? सेकंड ईयर की तैयारी कर रही हैं? सर पेपर दिए हैं अभी। पेपर दिए हैं? क्या पूछना चाहेंगी पेपर के बारे में? अपनी स्टडीज के बारे में जानना चाहती हैं? जी सर। कि आगे आप किस करियर को चुने और कैसा रहने वाला है आपका? सेकंड ईयर का रिजल्ट कैसा आएगा और उसके बारे में क्या करियर कैसा रहेगा और आगे चल करके किस एरिया को ये चुने अपने करियर के तौर पर? शनि क्या कह रहा हो तो आप कंप्यूटर और इंजीनियरिंग, ये इनसे लगा चुका काम करे, कंप्यूटर अलाइट, कंप्यूटर से जोड़ तोड़ के इलेक्ट्रॉनिक्स से वो काम करे। इस साल अगर आपका रिजल्ट निकल रहा है तो अच्छा नहीं होगा, अगले साल आपका रिजल्ट निकल रहा है तो ठीक रहेगा, मगर आपका जो भाग्योदय है वो जून 2010 के बाद से होता है। जो अभी पेपर दिए उसका कैसा रहेगा? जो अभी अगर रिजल्ट निकल रहा है वो आपके जो आशा जितना कर रहे हैं उस हिसाब से अच्छा नहीं निकलेगा। हो जाएगा क्लियर तो हो जाएगा सेकंड ईयर? हाँ, मगर क्लियर हो जाएगा, ये पक्की बात है, क्लियर हो जाएगा, मगर जितने नंबर आप सोच रही हैं उतने नहीं आएंगे। क्लियर पक्का आएंगे, मैं क्लियर हो जाएगा। हाँ क्लियर हो जाएगा पक्का, मेरे को बताइएगा आपका क्लियर हो जाएगा। और आप सफेद मूंगा और रूबी पहनी आपको फायदा करेगा। सफेद मूंगा और रूबी, सफेद मूंगा और माणिक के आप धारण कीजिए, आपको लाभ होगा, आपके करियर में तेजी आएगी और आप जिस क्षेत्र में जाना चाहती हैं आप कामयाब होंगी। ये तकनीकी क्षेत्र को चुनना चाहें, कंप्यूटर और कंप्यूटर से संबंधित जो क्षेत्र है तो उसमें ज्यादा कामयाब होने की संभावनाएं बन रही हैं आपके लिए। जहां तक इस परीक्षा का प्रश्न है इसमें आप कामयाब हो जाएंगे, लेकिन आशातीत सफलता मिलने में थोड़ा सा संदेह है। मित्रों, आप अपनी जिंदगी के प्रश्न हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर शंकर रावल देंगे आपके प्रश्नों का सीधा जवाब। सवाल करने के लिए हमें कीजिए टेलीफोन कॉल्स या भेजिए एसएमएस। अपने मोबाइल में टाइप कीजिए नाड़ी NADI, दीजिए स्पेस, जन्म की तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान, आपका प्रश्न, आपका नाम, तुरंत भेजिए 57575 पर। विभक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। 7654 3। ब्रेक के बाद एक बार पुनः स्वागत। आप देख रहे हैं भृगु नाड़ी ज्योतिष, हमारे साथ हैं डॉक्टर शंकर अडावल, आप उनसे ज्योतिष संबंधी प्रश्न कर सकते हैं। ज्योतिष विज्ञान की मदद से आप अपनी जिंदगी की समस्याओं को सुलझा सकते हैं। हमें कीजिए SMS। अपने मोबाइल में टाइप कीजिए नाड़ी NADI, दीजिए स्पेस, लिखिए अपने जन्म की तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान, आपका प्रश्न, आपका नाम, अभी भेजिए 57575 पर। डॉक्टर साहब, एक SMS हमें और मिला है, नाम है नीरू, ये आया है हमारे पास दिल्ली से SMS, लास्ट डिजिट है 1748। इनकी जन्म की तिथि है 10th of March 1988, 10 मार्च 1988, 10:27 मॉर्निंग, 10:27 AM, 10th of March 1988, 10:27 AM दिल्ली में जन्म हुआ है। पूछती हैं कि जॉब कब तक मिल जाए, जॉब से और करियर से संबंधित प्रश्न ज्यादा हमारे पास आए हैं। जॉब कब तक मिल जाएगा, बीए कर रही हूं और आगे का जीवन कैसा रहने वाला है, नीरू फ्रॉम दिल्ली। इनको कोई इस साल तो नहीं मिलेगा, मगर अगले साल एक छोटा जॉब मिलेगा जो इनके लगेगा नहीं, इनको अच्छा नहीं लगेगा, मुश्किल से मिलेगा, अगले साल जॉब मिलेगा वो करें और उससे जो अगले साल आएगा वो फिर अच्छा समय, अगले वर्ष जॉब मिलेगा और उसके बाद अगले साल और बेहतर हो जाएगा। नीरू जी, इस साल से लेकर अगले साल तक आपको जॉब जैसा आप चाहती हैं मिलने की संभावनाएं बन रही हैं, लेकिन आपका अच्छा समय शुरू होगा उसके भी एक साल बाद, यानी 2 वर्ष पश्चात। मूंगा पहनेंगे, मूंगा पहनिए, लाल रंग वाला जो रेड कलर का, लाल रेड कोरल आप पहन सकती हैं। किस उंगली में पहने, किस हाथ में? बीच वाली उंगली में, बीच वाली सूर्य की उंगली में, बाएं हाथ में। जी, बाएं हाथ में आप जो हमारी रिंग फिंगर होती है उसमें आप इसको पहनिए, आपको निश्चित तौर पर फायदा होगा। 2 साल पहने उसको, 2 साल तक आप पहने रहिए तो आपके जो शुभ फल हैं वो तेज हो जाएंगे।